नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 8 राज्यों की 57 सीटों पर 9 बजे तक 11.31% वोटिंग। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 72 रुपए तक सस्ता हुआ। सैनिटरी नैपकिन गबन मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब ऑनलाइन मिलेगी ओएमआर शीट। राजस्थान में भीषण गर्मी के कारण बिजली निगमों व जलदाय विभाग का प्रबंधन फेल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 11.31% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 14.35% वोटिंग हिमाचल प्रदेश में और सबसे कम 7.69% वोटिंग ओडिशा में हुई है। नया महीना यानी जून अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 72 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF के दाम घटने से हवाई सफर सस्ता हो सकता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जाकर दे सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में जिन अकाउंट में 3 साल से ज्यादा समय में से कोई लेन देन नहीं हुआ है, वे अकाउंट आज से बंद हो जाएंगे। राजस्थान में चलने वाली उड़ान योजना में मिलने वाले निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की कालाबाजारी का आंकड़ा करोड़ों रुपयों तक पहुंचने वाला है। इस मामले में जोधपुर के बासनी पुलिस ने नोएडा व हाथिन हरियाणा के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आशंका है कि निःशुल्क नैपकिन की कालाबाजारी कर इसे महंगी कंपनी के रैपर में पैक कर बाजार में निकाला जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। गुजरात की तर्ज पर परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट को ऑनलाइन किया जाएगा। चयन बोर्ड ने इस पर काम शुरू कर दिया है। बोर्ड ओएमआर शीट को ऑनलाइन करने को लेकर तकनीकी जांच में जुटा है। यह काम पूरा होने के बाद जल्द ही इसको लागू कर दिया जाएगा। राजस्थान में भीषण गर्मी के कारण बिजली निगमों व जलदाय विभाग का प्रबंधन फेल हो गया है। बिजली सप्लाई व पेयजल किल्लत को लेकर दोनों विभागों के अधिकांश दफ्तरों पर रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है। इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर नया संकट हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी पानी बिजली को लेकर सरकार को घेरने की योजना बना ली है। कांग्रेस ने पेयजल को लेकर कई दफ्तरों पर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं बार बार बिजली कटौती होने से लोगों की नींद व चैन छिन रहा है। वहीं नलों में पानी नहीं आने से महंगे टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी निराशा जाहिर की। मालीवाल ने मीडिया समाचारों से कहा कि केजरीवाल ने आज तक न तो मुझे फोन किया, न ही मुझसे मिलने आए और न ही उन्होंने मेरी कहीं कोई मदद की। पूरी पार्टी इस समय विभव कुमार के साथ खड़ी है। ऐसे में मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले केजरीवाल ने मेरे मुद्दे पर मेरा साथ देना, मेरे लिए स्टैंड लेना या मेरे मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझा। राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि प्रदेश में हीट वेव से मरने वालों के लिए मुआवजे का प्रावधान नहीं है। मीणा ने कहा कि मैं इस मान्यता वाला हूं कि शीतलहर और हीट वेव भी प्राकृतिक आपदा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिलकर इसके लिए केंद्र को पत्र लिखने के लिए कहेंगे। मीणा जयपुर में सचिवालय में मीडिया से बात कर रहे थे। जयपुर हाई कोर्ट ने 14 दवाइयों की बिक्री और स्टॉक की सीमा तय करने के ड्रग कंट्रोलर के 8 मई के आदेश की पालना पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब सुनवाई 16 जुलाई को होगी। न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने राजस्थान केमिस्ट अलायंस के अध्यक्ष RB पुरी व संजय जैन की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में हीट वेव प्रबंधन के तहत करीब 74 लाख रुपए की लागत से AC कूलर और वाटर कूलर लगाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने अस्पताल की मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में उपलब्ध राशि से खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। सिंह ने बताया कि अस्पताल के विभिन्न वार्डो, ICU, OPD, दवा वितरण केंद्र, जांच केंद्र और रजिस्ट्रेशन काउंटर सहित अन्य स्थानों पर 101 AC, 50 डेजर्ट कूलर और 20 वाटर कूलर लगाए जाएंगे। आज शाम 6 बजे लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरणों की वोटिंग खत्म होने के बाद अलग अलग टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे। कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर होने वाली डिबेट्स में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस TRP के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। खेड़ा ने आगे कहा कि मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे।
उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात 12:45 पर आग लग गई। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कई डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो गए। 12 दमकल गाड़ियों में 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। फिलहाल यहां कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है। जोधपुर की माचिया सफारी में 26 मई को 13 काले हिरण का शिकार करने वाले लेपर्ड को अब जोधपुर में आसान शिकार मिलना शुरू हो चुका है। ऐसे में उसने माचिया के अलावा जोधपुर में और भी सुरक्षित जगह को ठिकाना बना रखा है। पिछले 6 दिनों से माचिया में लेपर्ड की तलाश के बाद शनिवार से पार्क को फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इन 6 दिनों में पार्क में लेपर्ड की 2 बार मूवमेंट नजर आई थी, इसके बाद उसका कोई पता नहीं है। अभी भी वन विभाग उसकी तलाश कर रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतेंद्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा टीम ने भीलवाड़ा शहर में विभिन्न स्थानों से 5 सैंपल लिए। वहां पानी के प्लांट को सीज किया गया है। राजस्थान सरकार प्रदेश में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर हिंदू शरणार्थी परिवारों और उनके बच्चों की सूची मांगी है। अब कलेक्टर हर हिंदू शरणार्थी परिवार और उनके परिवारों के स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करके शिक्षा विभाग को भेजेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में आए हिंदू शरणार्थी परिवार राज्य में रह रहे हैं। हर देश से आए हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड में बने सरकारी आवास पर कुछ सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों से सालों से अवैध कब्जा कर रखा है, जिन्हें अब हटाने की तैयारी की जा रही है। तहसीलदार रमजान खान ने प्रारंभिक कार्यवाही के तौर पर नोटिस जारी कर सबसे खाली करने को कहा है। साथ ही इन कार्मिकों के अधिकारी को इनके खिलाफ विभागीय एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।